हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द प्राइस ऑफ फ्लावर्स बाय प्रभात कुमार मुखोपाध्याय टेक्स्ट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने इसके टू पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दोनों आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वो पार्ट जरूर देखना, तभी आप ये पार्ट थर्ड देखना, उसके बाद ही आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। मिसिस क्लिफर्ड केम इन कैरिंग द टी ट्रे ए फ्यू मिनट्स लेटर। As we drank tea, I talked about India. तो यहाँ पे जो है नरेटर कहाँ गया है, मिसेस क्लेफर्ड के घर में। मैगी ने उसको साथ लिया है अपनी माँ से मिलाने के लिए, उसकी माँ का नाम मिसेस क्लेफर्ड है और वहाँ पे वो बातें कर रहे हैं। अब वो किचन वहाँ अब वो जो है कमरे में चले गए, वहाँ पे जो है वो चाय पी रहा है। कौन? मिसेस क्लेफर्ड भी चाय पी रही है और वो मिस्टर गुप्ता भी चाय पी रहा है, ठीक है। मिसेस क्लेफर्ड शोड मी अ फोटोग्राफ ऑफ हर सन, इट हैड बीन टेकन बिफोर ही लेफ्ट। तो मिसेस क्लेफर्ड जो है वो उसको बता रही है, नरेटर को, अपने बेटे का जो है फोटोग्राफ दिखा रही है, ठीक है। हिज नेम वॉज फ्रांसिस और फ्रैंक। मैगी ब्रॉट आउट अ बुक ऑफ पिक्चर्स ही हैड सेंट फॉर हर, ही हैड सेंट हर फॉर हर बर्थडे। तो फिर जो है उसकी मतलब बहन किसकी, उसी फ्रैंक की बहन या मिसेस क्लेफर्ड की बेटी मैगी गई, उसने फोटोग्राफ की पिक्चर्स एल्बम लाया और उसको दिखाने लगी मिसेस गुप्ता को फोटोग्राफ्स जो उसने जो फ्रैंक ने इंडिया से भेजे थे उनको उसकी बर्थडे पे, किसकी, उस मतलब मैगी की बर्थडे पे। देयर वर मेनी पिक्चर्स ऑफ शिमला एंड द सराउंडिंग माउंटेन्स कंट्री। ऑन द इनसाइड पेज वॉज रिटन टू मैगी टू हर बर्थडे फ्रॉम हर लविंग ब्रदर फ्रैंक। तो उसमें जो उस पर एल्बम में पिक्चर्स जो लिए थे वो शिमला के थे, इंडिया का ना, इंडिया का शिमला था, इंडिया के माउंटेन्स थे। तो वहाँ पे जो है मिस्टर गुप्ता ने पहचान लिया, क्योंकि मिस्टर गुप्ता को पता था इंडिया के बारे में पूरा, ठीक है। तो उसने उनको पहचान लिया, ये फोटोग्राफ्स कहाँ लिए गए हैं। तो अब मैगी और जो मिसेस क्लेफर्ड है वो परेशान है इंडिया के बारे में, मतलब इंडिया में कैसा माहौल होगा, हमारा जो फ्रैंक है वो मतलब जिंदा होगा या नहीं होगा, उनको अभी कोई पता नहीं है। तो अभी जो है वो इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं मिस्टर गुप्ता के साथ। मिस्टर गुप्ता क्या है, नरेटर। मैगी सैड मिसेस क्लेफर्ड शो मिस्टर गुप्ता द रिंग। तो मैगी जो है वो मतलब मिसेस क्लेफर्ड बोलने लगी अपनी बेटी को, मैगी को, मैगी इसको रिंग दिखाओ। किसको? मिस्टर गुप्ता को रिंग दिखाओ। हैज योर ब्रदर सेंट यू अ रिंग, आई आस्क, लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ रिंग इट इज। तो नरेटर बोलता है, मैंने बोला क्या आपके भाई ने आपको रिंग भेजी है, मैगी को बोलने लगा कि वो मुझे रिंग मेरे को दिखाओ, मैं देखूंगा कैसी रिंग है। इट इज़ अ मैजिक रिंग, मैगी एक्सप्लेन, अ योगी गेव इट टू फ्रैंक। तो यहाँ मैगी बोलने लगी ये मैजिक रिंग है, जादू वाली रिंग है, और एक योगी ने इंडिया में फ्रैंक को दी थी और वही फ्रैंक ने इधर भेजी थी मेरे लिए, ठीक है। शी ब्रॉट इट एंड आस्क्ड कैन यू सी द पास्ट एंड फ्यूचर इन इट। तो उस मैगी ने लाया वो रिंग, वो लाई उसके पास, मतलब किसके पास, मिस्टर गुप्ता के पास, और बोलने लगी क्या आप इसमें पास्ट और फ्यूचर देख सकते हो इस रिंग में। I had heard a lot about crystal gazing. A crystal was set in the ring. I took it up and examined it. तो नरेटर ने पहले मतलब सुना था कि क्रिस्टल में देखते हैं, क्रिस्टल एक होता है उसमें क्रिस्टल में देखते हैं और उसमें पास्ट और फ्यूचर देखते हैं, सुना था उसने। अब वो देखता है वो रिंग और वहाँ से एग्जामिन करता है, उसको पहचानता है। देखो यहाँ पे जो है ये कौन है, ये मिस्टर गुप्ता है, ठीक है, मिस्टर गुप्ता। तो ये कौन है, मैगी है, MAGGI, ये कौन है, मिसेस क्लिफर्ड है। तो ये आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो ये क्या है, ये मैगी इसको रिंग देती है, ये रिंग को एग्जामिन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख रहा है कि रिंग जो है मतलब कैसी है, इसको देख रहा है। ये इसकी माँ है इस मैगी की और इनका बेटा जो है इंडिया में है, ठीक है। When Frank sent the ring, Mrs. Clifford said, he wrote that if you concentrate on a distant person or as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. तो बोलती है मिसेस क्लेफर्ड, जब मेरे बेटे ने ये रिंग भेजी थी उन्होंने ये भी बोला था कि जब आप इस रिंग पे गेज करोगे, यहाँ पे देखोगे आराम से, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो आपको उसके बारे में सब पता चलेगा उस रिंग को गेज करने में, ठीक है। मैगी एंड आई हैव कंसंट्रेटेड अपॉन इट अगेन एंड अगेन बिकॉज वी हैव नॉट हैड एनी न्यूज़ फ्रॉम फ्रैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे मिसेस क्लिफर्ड बोलती है उसको, मिसेस गुप्ता को, कि मैंने और मैगी ने दोनों ने कंसंट्रेट किया इस रिंग पे, मगर हमें कोई क्लू नहीं मिला फ्रैंक के बारे में, कोई पता नहीं चला वो कहाँ पे है। बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सी एनी थिंग, वाई डोंट यू ट्राई।
यू आर एन इंडियन, यू मे बी एबल टू डू इट। तो मैं वो मिसेस क्लिफर्ड बोलती है, तो हमें तो कुछ नहीं दिखा, आप इंडियन हो, आप ही ट्राई करो, आप ही देखो क्या आपको फ्यूचर या कुछ दिखेगा, क्या उस आपको इस क्रिस्टल में जो है फ्रैंक दिखेगा, तो आप इसको ट्राई करो। हमने बड़ा ट्राई किया, हमें नहीं देखा, मगर जब मेरे फ्रैंक ने भेजी थी रिंग, उसने लेटर में लिखा था कि अगर आप देखोगे इसमें तो आपको जो है मेरे बारे में दिखेगा। I realized that superstition was not confirmed to India. I did not have the heart to tell the mother and daughter that the ring that the ring was nothing much brass with a piece of ordinary glass stuck into it. तो यहाँ पे नरेटर बोल रहा है, मिस्टर गुप्ता बोल रहा है, मैंने जो हिम्मत नहीं की वो उनको बोलने पे, उनकी पर्टिनेंट आंसर को, उनको पर्टिनेंट आंसर करने पे कि मैं उनको बोलूँ ये जो रिंग है ये सिर्फ एक क्या है, ब्रास है। तो फिर उसने जाना, उस मिस्टर गुप्ता को पता चल गया ये सुपरस्टिशन जो है, सुपरस्टिशन मतलब वहम, सुपरस्टिशन जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि अब्रॉड में भी है, बाहर कंट्रीज़ में भी है। तो फिर उसने ये क्लियरली नहीं बोला उसकी माँ को कि मतलब ये ऑर्डिनरी एक ब्रास का रिंग है, तो उसने ये नहीं बोला। अब क्या बोला, दे बिलीव दियर फ्रैंक हैड सेंट देम अ न्यू एंड मरेकुलस थिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड फ्रॉम अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। तो उसने बोलता है कि वो यकीन करते थे, वो ये मानते थे, कौन उसकी माँ, फ्रैंक मतलब फ्रैंक की माँ जो मिसेस क्लिफर्ड है और मैगी, मानते थे कि उनने बहुत दूर से ये रिंग भेजी है, ये मरेकुलस है, ये अजीब है, ठीक है, ये अजीब है, ये शानदार रिंग है, इसमें जो है सब कुछ दिखेगा। हाउ कुड आई शैटर दियर फेथ। तो यहाँ पर नरेटर नहीं चाहता था कि उनका फेथ, उनका बिलीफ, उनका यकीन को मैं तार तार करूँ, उनके यकीन को मैं तोड़ूँ। उनको यकीन है कि क्रिस्टल में दिखेगा, तो अब वो तोड़ना नहीं चाहता, यकीन उनका दिल रखना चाहता है, ठीक है, वो जो है उनके यकीन को रखना चाहता है, तो उनके यकीन को नहीं तोड़ना चाहता है। अर्ज्ड बाई मिसेज क्लिफर्ड एंड मैगी आई टुक द रिंग इन माई हैंड एंड स्टेयर्ड एट इट इंटेंसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई कैनॉट सी एनीथिंग, आई एक्सक्लेम्ड एट लास्ट गिविंग अप। तो उसने जो है बाद में उस रिंग की तरफ देखा, क्योंकि उनने बार बार अर्ज किया, अर्ज मतलब बार बार उनको, उसको बोला फ्रैंक, उसको मतलब मिसेस गुप्ता को बोला इस पे देखो, किसने बोला, मैगी और मिसेस क्लिफर्ड ने। तो उसने देखा, आराम से देखा, बड़े तेज़ से मतलब उसको देखने लगा कंटिन्यूसली, तो उसने वहाँ पे कुछ नहीं देखा, फिर उसने छोड़ दिया, ठीक है। मदर एंड डॉटर वर डिसअपॉइंटेड टू चेंज द सब्जेक्ट, आई सेड हियर इज़ ए वायलिन, इट इज़ योर्स इजंट इट मैगी। तो यहाँ पे मतलब वो डॉटर और मदर जो है उसकी लड़की और वो खुद मिसेस क्लिफर्ड, वो परेशान हो गए, डिसअपॉइंट मतलब परेशान हो गए कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है फ्रैंक। तो इस चेंज, इस बात को चेंज करने में, इस मतलब थोड़ा डाइग्रेशन करने में इसने क्या किया, इसने बोला यहाँ पे वायलिन है, ये आपकी है क्या, ठीक है, वायलिन वहाँ पे थी, वो ये बोलने के मैगी को, ये आपकी है क्या। यस मिसेस क्लिफर्ड आंसर्ड, मैगी प्लेस क्वाइट वेल, मैगी प्लीज प्ले समथिंग फॉर अस। तो मिसेस क्लिफर्ड बोलने लगी, हाँ ये जो वायलिन है, ये किस वायलिन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, म्यूजिकल वायलिन क्या होता है, एक म्यूजिकल जैसे गुटार होता है ना, गुटार, इसी तरह एक म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसको लगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसने बोला मिसेस क्लिफर्ड ने कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बजाती है कौन, ये मैगी बजाती है। मैगी को बोलने लगी प्लीज़ मैगी बजाओ इसको, इसको थोड़ा मतलब हमारे लिए बजाओ, हम जो इसको सुनेंगे। ओह मदर, मैगी लुकिंग एट हर प्रोटेस्टिंग, मैगी आई प्लीडिड प्लीज प्ले समथिंग, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द वायलिन, आई हैव अ सिस्टर एट होम अबाउट यूर एज, शी यूज टू प्ले फॉर मी। तो यहाँ पे जो है वो बोलने लगी ओह मदर मैं नहीं बजाऊंगी, कौन बोलने लगी, मैगी बोलने लगी। मगर फिर बाद में नरेटर ने भी बोला, आई को नरेटर, नरेटर ने बोला कि आई नरेटर है, नरेटर ने बोला प्लीज़ आप बजाओ इस वायलिन को, मेरी भी सिस्टर है और घर में वो भी बजाती थी मेरे लिए, आप बजाओ, मुझे बहुत पसंद है वायलिन, बजाओ। किसको बोलने लगा ये नरेटर जो है, मिस्टर गुप्ता, किसको बोलने लगा, मिस्टर गुप्ता नरेटर है ना, ये बोलने लगा किसको, मैगी को बोलने लगा बजाओ इसको, क्योंकि इनको मतलब अपने भाई की याद ना आए इस मैगी को, थोड़ा बात को टालने के लिए जो है वो चाहता कि ये बजाएं इसको, वायलिन को बजाएं, थोड़ा बात टाल जाए। तो द वे आई प्ले इज़ नॉट ऑल वर्थ लिसनिंग टू, मैजिक से मैगी सेड, मैगी ने बोला जब मैं बजाती हूँ तो ये उतना अच्छा नहीं है, वर्थ लिसनिंग मतलब उतनी मतलब अप टू द मार्क नहीं है, जो मैं बजाती हूँ उतनी अच्छी नहीं बजाती हूँ, क्या इंजॉय करोगे आप, कौन बोलने लगी, मैगी बोलने लगी।
After some persuasion, she played a folk tune and then a minor classic. We became good friends. तो बोलता है नरेटर बोलता है कि कुछ सम टाइम जो है आफ्टर सम टाइम कुछ बार बार बोलने पर सेशनल बार बार बोलने के बाद उसने क्या किया उसको बजाया उस वायलिन को और हम जो बाद में क्या बने अच्छे फ्रेंड्स बने. 3 months पास उसके बाद 3 महीने हो गए मतलब वो फ्रेंड्स बन गए. फिर वो वहाँ से चला गया कौन नरेटर वहाँ से चला गया. अब जो 3 महीने हो गए उसके बाद 3 महीने हो गए बट नो न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हर ब्रदर. अर्ज्ड बाय मिसेस क्लिफ आई वेंट टू इंडिया इंडिया हाउस वन डे एंड मेड इंक्वायरीज. आई वॉज टोल्ड दैट द रेजिमेंट टू विच फ्रैंक बिलोंग वॉज फाइटिंग ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. मिसेस क्लिफर्ड बिकेम एक्सट्रीमली वरीड वेन शी हर्ड इट. तो बाद में बोलता है नरेटर के मैं जो है वहाँ से चला गया फिर मतलब उसकी माँ ने जो है मतलब बार बार अर्ज किया मेरे को. ठीक है अर्ज भाई मिस आई वेंट फिर उसके बाद बाद मेरे को बोला फिर मैं इंडिया में गया. इंडिया मैंने इंक्वायरीज़ की उस मिस्टर फ्रैंक के बारे में मतलब मिसेस क्लिफर्ड के बेटे के बारे में. वहाँ पे हमें मुझे पता चल गया रेजिमेंट में जहाँ पे मतलब उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो फ्रैंक है वो उस रेजिमेंट में बिलोंग करता था जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कौन सा है. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब जो हमारा पंजाब का एरिया है ना पंजाब और जम्मू कश्मीर का एरिया जो मतलब फ्रंटियर है उनको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. जैसे ये है ना इंडिया ये इंडिया है मानो ये इंडिया ठीक है इसको जैसे इंडिया मानो ना तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है. ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है. तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है ये मतलब वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था. किसने जाना ये जाना इसने मतलब जो मतलब मिस्टर गुप्ता है इसने पता करा कि वो कहाँ पे था उसकी ड्यूटी कहाँ पे थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में. ठीक है तो जब मिस क्लिफर्ड ने ये सुना वो बहुत मतलब दुखी हो गई. वन डे आई रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम मैजी शी रोड. तुम एक दिन क्या हुआ उसने पोस्ट कार्ड मतलब उसको पोस्ट कार्ड मिला किसको इसी मिस्टर गुप्ता को. किसने दिया मैगी ने जो है लिखा था. वो क्या था उस पोस्ट कार्ड में. उस पोस्ट कार्ड में जो लिखा था डियर मिसेस गुप्ता माई मदर इज़ वेरी इल. आई हैव नॉट बीन एबल टू गो टू वर्क फॉर अ वीक. वी शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इफ़ यू टेक द ट्रेवल टू कम टू अस टू कम टू सी अस. तो उस पोस्ट कार्ड में उसने देखा किसने मिस्टर गुप्ता ने देखा उसमें क्या लिखा है. उस मैगी ने लिखा है डियर मिस्टर गुप्ता कि हम बहुत परेशान हैं मेरी माँ जो है ठीक नहीं है तो बहुत वो मतलब सदमे में चली गई है तो वो कोमा में चली गई है तो मैं जॉब पर नहीं जा रही हूँ प्लीज़ हमारी हेल्प करो. किसने लिखा था ये लिखा था मैगी ने. किसको लिखा था मिस्टर गुप्ता को लिखा था. तो मिस्टर गुप्ता को जो है बहुत मतलब जब देखा उसने तो ये किसने लिखा था मैगी ने अपना नाम भी लिखा है. आई हैड टोल्ड द फैमिली विद होम आई लिव्ड अबाउट मैगी एंड हर मदर. आई स्पोक ऑफ द लेटर लेटर एट ब्रेकफास्ट. तो मिस्टर गुप्ता बोलता है कि जिस फैमिली में मैं रहता था जहाँ पे मैं स्टे करता था तो वहाँ पे मैं जो है उनको बोला उस फैमिली को उसकी प्रॉब्लम मैंने बोली थी मैगी की प्रॉब्लम और मिसेस क्लिफर्ड की प्रॉब्लम उनको बोली थी. और जब वो लेटर आया मैंने उनके सामने पढ़ा सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में उनके सामने पढ़ा. जैसे ही उन्होंने मतलब मिस्टर गुप्ता ने उनके सामने पढ़ा किन के सामने जहाँ वो रहता था उस हॉस्टेस के सामने. माई हॉस्टेस सेड When you go take some money with you, the girl has not been able to go to work for a week. She has not received any pay. It is probable that they are hard up. तो वहाँ पे जो है जब उसके मतलब हॉस्टेस को पता चला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो उस हॉस्टेस मतलब जहाँ पे वो रहता था उसकी मालकिन जो उसने बोला कि भाई मिस्टर गुप्ता आप जल्दी जाओ वो लड़की जो है बहुत परेशानी में होगी उसने कुछ मतलब कमाया भी नहीं होगा उनके पास पैसा भी नहीं होगा वो जॉब पे नहीं गई है कुछ दिनों से आप जाओ और उसने उसको पे भी नहीं मिली होगी. हार्ड अप मतलब वो बड़ी मतलब मुश्किल कंडीशन मिजरेबल कंडीशन में रह रहे होंगे. तो उसको भी तरस आ गया किसको मतलब हॉस्टेस फेल्ट मतलब एपैथेटिक मतलब उसको बहुत मतलब तरस आ गया मर्सीफुल. ठीक है आफ्टर ब्रेकफास्ट आई टुक सम मनी एंड सेट आउट फॉर लैम्बेथ. जैसे ही उन्होंने ब्रेकफास्ट किया किसने मिस्टर गुप्ता ने ब्रेकफास्ट किया और वो कहाँ की तरफ चला गया लैम्बेथ की तरफ चला गया. लैम्बेथ मतलब जहाँ पे मिस्टर क्लिफर्ड और मैगी रहते थे. तो वहाँ पे जब चला गया यू मिस्टर गुप्ता शी एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ मी इट इज़ सो काइंड ऑफ यू. तो उसने बोला किसने उसी मिसेस क्लिफर्ड ने बोला जैसे ही मिस्टर गुप्ता को देखा बोला आप मिस्टर गुप्ता. वो हैरान हो गई और बोले बहुत मेहरबानी है आपकी आप यहाँ पे आ गई. किसने बोला मिसेस क्लिफर्ड ने उसको बोला नहीं मिसेस क्लिफर्ड नहीं है ये उसने मैगी ने बोला. किसने मैगी ने बोला
मैगी ने बोला यहाँ पे ना, हाउ इज योर मदर मैगी आई आस्क, तो नरेटर ने बोला मैगी मैगी आपकी माँ कैसी है, शी इज स्लीपिंग नाउ, हर कंडीशन इज वेरी सीरियस, द डॉक्टर सेज इट इज एग्रीवेटेड बाय हर एंग्जाइटी फॉर फ्रैंक, देयर इज नो न्यूज फ्रॉम हिम येट, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक टू यू मिस्टर गुप्ता। तो यहाँ पे वो बोलने लगी मैगी कि उसकी कंडीशन जो है मेरी मदर की बहुत सीरियस है, तो उसकी कंडीशन ज़्यादा ही सीरियस हो रही है, एग्रीवेटेड बढ़ रही है, ज़्यादा ही सीरियस हो रही है, तो वो जो है उसकी टेन उसको जो सीरियसनेस का रीज़न जो है, काज जो है उसका उसका यही है कि फ्रैंक की कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ। किसको कर रही है रिक्वेस्ट? ये मैगी जो है रिक्वेस्ट कर रही है मिस्टर गुप्ता को। व्हाट इज़ मैगी आई आस्क मैगी, मैगी को उसने पूछा, किसने पूछा? मिस्टर गुप्ता ने पूछा कि भाई क्या मतलब रिक्वेस्ट है। तो मिस्टर गुप्ता बोलता है, मैगी बोलती है, कम इन टू द सिटिंग रूम एंड आई विल टेल यू, शी आंसर। उसने बोला आ जाओ सिटिंग रूम में, मैं आपको बोलती हूँ क्या रिक्वेस्ट है। वी टू टिप टोड केयरफुली इन टू द सिटिंग रूम, इन टू द सिटिंग रूम, लेस लेस द साउंड ऑफ आवर फूड शुड शुड डिस्टर्ब द सिक वुमेन। तो वो आहिस्ते टिप टो मतलब आहिस्ते आहिस्ते चलेगी अपने सिटिंग रूम में, ताकि उस वुमेन को डिस्टर्ब ना हो जाए, मिसेस क्लिफर्ड डिस्टर्ब ना हो जाए, वो मतलब पेशेंट थी ना वहाँ पे। आई टर्न वेन आई रीच द सेंटर ऑफ द रूम एंड रिमेन स्टैंडिंग देयर, वट इज़ इट मैगी आई रिपीटेड माई क्वेश्चन। जैसे हम सेंटर रूम में पहुंचे तो नरेटर ने बोला, हाँ क्या पूछ रहे थे आप, क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोलो। किसको बोल रहा है? ये मैगी को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नरेटर, जो मिस्टर गुप्ता है वो उसको पूछ रहा है। जब उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, मैगी गेज अप इन टू माई फेस विद प्लीडिंग आइज, आई वेटेड, देन शी कवर्ड हर फेस विद हर हैंड एंड वेप्ट साइलेंटली। देखो कितनी मतलब तरस वाली कंडीशन है, मतलब हाउ मिजरेबल दिस इज, यू कैन फील दिस, हाउ पैथेटिक दिस इज। एंड वो मैगी जो है वो उसने क्या किया, उसने हाथ अपने उठाए, अपने फेस पे रखा और रोने लगी। किसके सामने? उस मिस्टर गुप्ता के सामने। बहुत ज़ोर ज़ोर रोने लगी, और मतलब ज़ोर ज़ोर नहीं, आहिस्ते आहिस्ते जो है मतलब वो रोने लगी, और बहुत अंदर से बहुत रोना आ रहा था उसको। तो वहाँ पे जो है मिस्टर गुप्ता ने वेट किया, उसने अपना फेस जो है कवर किया, वो मतलब रोने लगी साइलेंटली, साइलेंट मतलब आहिस्ते आहिस्ते जो है रोने लगी, ताकि उसकी माँ डिस्टर्ब ना हो जाए। वो दूसरे कमरे में थी। मैनी थाट्स रैन थ्रू माई माइंड, तो नरेटर के माइंड में बहुत थाट्स आ गए, वो टूट गया ना, मतलब ही फेल्ट मिजरेबल, ही थाट ही फेल्ट हेल्पलेस, हाउ कुड ही हेल्प हर, ही वॉन्टेड टू हेल्प हर, ही वॉन्टेड टू हेल्प मैगी, बट डिडेंट नो हाउ ही कुड हेल्प मैगी एंड हर मदर। तो मैगी वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी सैड, वेरी वरीड अबाउट हर मदर एज वेल एज अबाउट हर ब्रदर हु वॉज इन इंडिया, हिज नेम वॉज फ्रैंक। ठीक है, वो मतलब बहुत परेशान हो रही थी। आई पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फेस, मैगी टेल मी व्हाट यू विश टू डू, व्हाट यू विश मी टू डू, इफ देयर इज एनी थिंग आई कैन डू टू हेल्प यू आई शेल नॉट हेजिटेट। तो वो बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है इसको, मैगी बोलो आप क्या चाह रहे हो, क्या कैसे किस तरह मैं आपकी हेल्प करूँ, जिस तरह भी हो सके मैं आपकी हेल्प कर लूँगा, मुझे बोलो तो सही मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बोलो तो सही मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं कोई हेजिटेशन फील नहीं करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। कौन बोल रहा है? नरेटर बोल रहा है मैगी को। ठीक है, मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड, उस गर्ल ने बोला, उस मैगी ने बोला मिस्टर गुप्ता को, आई डू नॉट नो व्हाट यू विल थिंक ऑफ द रिक्वेस्ट आई एम गोइंग टू मेक, प्लीज फॉरगिव मी इफ इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो वो बोल रही है, मिस्टर गुप्ता मैं एक ऐसी रिक्वेस्ट करने वाली वाली हूँ, तो मैं नहीं चाहती, मैं सोच रही हूँ, पता नहीं आप क्या फील करोगे, प्लीज़ अगर आपको बुरा लगे मुझे मतलब माफ़ कर देना अगर आपको बुरा लगे। व्हाट इज़ इट टेल मी प्लीज़, बोलने लगा, बोलो। वो बोलने लगा कौन? वो नरेटर बोलने लगा, बोलो क्या रिक्वेस्ट है, मैं बुरा फील नहीं करूँगा, मतलब मुझे तो बोलो तो सही क्या क्या बात है, क्या करूँ मैं आपके लिए, कैसी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह की हेल्प कर सकता हूँ। ऑल डे येस्टरडे मदर केप्ट सेइंग दैट इफ मिस्टर गुप्ता वुड कम एंड गेज इन टू द क्रिस्टल ही माइट लर्न समथिंग अबाउट फ्रैंक, इफ ओनली ही वुड कम शी सेड, दैट इज़ वाई आई रोड टू यू। तो उसने बोला कि किसने, मैगी ने अपनी जो है मतलब दुख का इजहार किया यहाँ पे, बोलने लगी मेरी माँ लास्ट डे मतलब येस्टरडे, कल मेरी माँ जो है ये बोल रही थी, बोलती केप्ट सेइंग मतलब बोल रही थी, और बोलती थी बार बार बोलती थी कि अगर मिस्टर गुप्ता यहाँ पे आए, क्रिस्टल पे देखे और देखे क्या फ्रैंक जिंदा है या नहीं, वो बार बार बोलने लगी। और तभी जो है मैंने क्या किया, तभी मैंने आपको मतलब लिखा कि आप यहाँ पे आ जाओ,
आप क्रिस्टल पे देखो, तभी मैंने आपको जो है लिखा, इफ़ यू वांट मी टू ट्राई वंस वंस मोर गो एंड ब्रिंग मी द रिंग मैगी, ऑफ कोर्स आई विल डू इट। बोलने लगा क्या ये कोई रिक्वेस्ट है, आप बोलो अगर मैंने दोबारा क्रिस्टल में देखना, लाओ रिंग में दोबारा देखूंगा, अगर आपकी माँ की इच्छा ये है, आपकी माँ की रिक्वेस्ट ये है, आप लाओ मैं फिर देखूंगा, बट इफ़ यू डोंट सी एनीथिंग अगेन दिस टाइम। यहाँ पे मैगी बोलने लगी, अगर आप फिर भी नहीं देख पाओगे क्या मेरा भाई जिंदा है या नहीं, क्या फ्रैंक जिंदा है या नहीं, फिर क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप मतलब फिर अगर पता होगा कि वो जिंदा नहीं है तो मेरी माँ तो बिल्कुल उससे भी चली जाएगी, ये सोचने लगी वो। आई अंडरस्टैंड वट मैगी मैंट, आई वॉज साइलेंट। तो नरेटर बोलता है मैगी, मतलब मुझे पता चल गया आप मैगी क्या बोलना चाहती है, मगर मैं चुप रहा। मैगी एक्चुअली क्या बोलना चाहती थी वो आपको भी पता है, ठीक है, क्या बोलना चाहती थी वो, यही सोच रही थी कि मतलब ये कुछ झूठ मूठ बोले इसको, हाँ ठीक है जिंदा है तो वो कोमा में निकल जाए उसकी मदर। मगर मैगी ने डायरेक्टली उसको ऐसा नहीं बोला, मिस्टर गुप्ता आई हैव हर्ड इन बुक्स दैट इंडियंस लव द ट्रूथ, इफ़ यू कुड ब्रिंग यूर सेल्फ टू टेल मदर ओनली वंस After looking into the crystal that Frank is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? Will it be very, very wrong? As she spoke, tears streamed from her eyes. तो यहाँ पे जो है मतलब वो बोलने लगी, कौन मैगी बोलने लगी मिस्टर गुप्ता मुझे पता है इंडियंस जो है बहुत मतलब सच बोलते हैं और सच से प्यार करते हैं, जो सच बोले और सच पे ही यकीन करते हैं, मगर अगर आप एक काम करोगे, आप क्रिस्टल पे देखोगे और उसको बोलोगे, अगर फ्रैंक आपको नहीं दिखेगा जिंदा तो आप मेरी माँ को बोलोगे कि क्रिस्टल जो है मतलब वो फ्रैंक जो है जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। कितना बड़ा झूठ होगा ये, क्या ये इतना बहुत गलत होगा? तो ऐसे बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू आ गए, किसकी आंखों से, मतलब हाउ स्ट्रेंज दिस इज, मतलब हाउ पिटीफुल दिस इज ना, कितने मतलब पिटी फील करता है बंदा, कितना तरस आता है यहाँ पे। तो उसकी आंखों से जो है आंसू आने लगे, किसकी, मैगी की आंखों से आंसू आने लगे, क्यों आने लगे, वो उससे झूठ बुलवा रही है, किससे, मतलब उससे झूठ बुलवा रही है फ्रैंक से, मगर मजबूरी है क्योंकि अगर एक की जान चली गई है तो अगर मतलब ऐसा वो नहीं करता तो उसकी माँ की जान भी चली जाती थी, तो मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ पिटीफुल कंडीशन देयर, वी कैन सी हाउ पिटीफुल दिस इज, एंड शी वीप्स, शी क्राइज एंड द टीयर्स कम आउट फ्रॉम हर आईज, एंड शी वांट्स मिस्टर गुप्ता टू टेल लाइज टू हर मदर। तो अब जो है वो रो रही है वहाँ पे, तो मिस्टर गुप्ता भी वहीं पे है। यहाँ पे वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करें, नेक्स्ट आप पार्ट आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट है वो ज़रूर देखना आप, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके सारे पार्ट्स देखना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर देखना, और लास्ट के पार्ट्स भी ज़रूर देखना, तभी आपको जो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सारे पार्ट देखिए, तभी आपको समझ आएगी, आधा अधूरा छोड़ोगे कोई समझ नहीं आएगी। देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ऐसे ऐसे पूरी स्टोरी आपको समझ आ रही है, तो लास्ट पार्ट देखेंगे तो। और कमेंट भी कीजिए यार, कमेंट क्यों नहीं करते हो आप, कमेंट करो, जब भी आपको देखते हो वीडियो तो कमेंट करो, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देखते हैं, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। आप अगर डाउनलोड करके भी देखते हो बाद में कमेंट ज़रूर किया करो, तभी मुझे जो है थोड़ी क्या मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। शुक्रिया।